63,627 लोग, 98 गांव, 12,358 घर सभी खतरे में। क्या बच पाएगा हमारा जोशीमठ? आज हर कोई बस एक ही सवाल कर रहा है कि क्या जोशीमठ बच पाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आज जोशीमठ से जुड़ी हर एक सवाल का देंगे हम जवाब। आइए जानते हैं जोशीमठ की बनने से लेके उजड़ने तक की पूरी कहानी। जोशीमठ सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़ा एक प्रतीक है। आदि शंकराचार्य से भी शताब्दियों पहले से पौराणिक कथाओं में जोशीमठ का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया तो उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। तब भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए प्रहलाद ने जप किया और भगवान नरसिंह शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है और भगवान बद्री विशाल सदियों से बद्रीनाथ धाम छोड़कर जोशीमठ के इस मंदिर में ही निवास करते हैं। जोशीमठ को आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से भी माना जाता है। 8वीं सदी से शंकराचार्य ने जोशीमठ में तपस्या की थी और भारत में बने 4 मठों में से सबसे पहला मठ उन्होंने यही स्थापित किया था। इस जगह को तब ज्योतिर्मठ कहा जाता था जो अब जोशीमठ कहलाता है। तो ये था जोशीमठ का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ विशेष बातें। आइए जानते हैं अब जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति। जोशीमठ हिमालय की तलहटी में बसा उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बसा एक छोटा शहर है। यह शहर त्रिशूल पीक की उतरती ढलान पर स्थित है जो एक संकरी जगह है। यह शहर यहाँ अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। सबसे चिंता वाली बात यह है कि जोशीमठ भारत के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाके ज़ोन 5 में आता है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात अगर करें तो साल 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ करीब 4,000 घर हैं जहाँ 17,000 लोग रहते हैं, लेकिन ये आंकड़ा करीब 12 साल पुराना है, तो यहाँ की जनसंख्या पिछले आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा होगी। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जाने वाले सारे टूरिस्ट जोशीमठ में ही आकर रुकते हैं, तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में होटलों का भी निर्माण हुआ है। लेकिन जितना अहम जोशीमठ आम जनता के लिए है उससे कहीं ज़्यादा अहमियत ये आर्मी के लिए रखता है। 1962 के युद्ध में चीन से लोहा लेते वक्त भारतीय सेना जोशीमठ में ही आकर रुकी थी। चीन बॉर्डर पर स्थित नीतामाड़ा गांव जाने का रास्ता जोशीमठ से ही होकर गुजरता है और LAC पर देश की सुरक्षा में लगी आर्मी का कैंप भी जोशीमठ में ही स्थित है। यही कारण है कि जो 900 करोड़ की लागत से 4 धाम रोड बन रहा है वो भी जोशीमठ से होकर ही गुजरता है। लेकिन कहीं यही 4 धाम परियोजना ही तो जोशीमठ के पतन का कारण तो नहीं बन गई? तो अब हम बात करेंगे कि इस जोशीमठ की हालत का जिम्मेदार कौन है और क्या जोशीमठ को अभी भी बचाया जा सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपका इतिहास में जियोलॉजिस्ट ने जोशीमठ और उसके आसपास के एरिया के बारे में क्या कहा था ये जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले साल 1939 में अर्नोल्ड हेंग और ऑगस्ट गेनिसर ने अपनी किताब सेंट्रल हिमालय में बताया था कि जोशीमठ इतिहास में आए एक बड़े लैंडस्लाइड पर बसा है। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल भी अपनी किताब में लिख चुके हैं कि जोशीमठ में लगभग 1000 साल पहले एक लैंडस्लाइड आया था जिसके चलते राजाओं को अपनी राजधानी जोशीमठ से शिफ्ट करनी पड़ी थी। लेकिन पिछले 50 साल की ओर देखें तो 1976 के आसपास जोशीमठ में लैंडस्लाइड के काफ़ी इवेंट्स हुए थे जिसकी जांच के लिए तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उनकी रिपोर्ट में भी साफ कहा गया था कि जोशीमठ किसी ठोस चट्टान पर नहीं बल्कि पहाड़ों के मलबे से बना है।
जो कि अस्थिर है। और अगर जोशीमठ को बचाना है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को कम करने की ज़रूरत है, और अगर कोई खास कंस्ट्रक्शन करनी भी है तो उसे गहन जांच के बाद ही शुरू करनी चाहिए। जोशीमठ में बड़े कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद किए जाएं। जोशीमठ के आसपास इराटिक बोल्डर्स यानी कि बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों को बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए, और ब्लास्टिंग पर तो पूरी तरह रोक लगा दी जाए। जोशीमठ के आसपास के एरियाज में पेड़ लगाने की बात कही गई थी ताकि ज़मीन की पकड़ बनी रहे। पानी की निकासी के लिए ड्रेन बनाने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन यह एक सरकारी रिपोर्ट थी और सरकारों ने इस रिपोर्ट को डस्टबिन में ही डाल दिया, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जोशीमठ में वो सब कुछ हुआ जिसके लिए मिश्रा रिपोर्ट में मना किया गया था। आर्मी के लिए एस्टेब्लिशमेंट्स बनाई गई, ITBP का कैंप बना, औली में कंस्ट्रक्शन हुआ व विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द भी कंस्ट्रक्शन किए गए। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े बड़े होटलों का भी निर्माण हुआ, जिससे जोशीमठ की स्लोप पर काफ़ी छेड़छाड़ हुई और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, जिसके चलते जोशीमठ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में तब्दील हो गया। इस सब का परिणाम आज जोशीमठ को भुगतना पड़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि इतने फ्रेजाइल एरिया में इतने बड़े बड़े निर्माण करने के दौरान किसी तरह के हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी तक नहीं की गई। धरती के अंदर पानी की क्या स्थिति है ये भी नहीं जाना गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सरकारों का ही दोष है, इसकी ओर आम आदमी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जियोलॉजिस्ट की माने तो जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक इसे एक गांव ही रहने देना चाहिए था, लेकिन व्यापार के चलते इस इलाके पर इमारतों का बोझ बढ़ता ही गया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।